गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर से ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउंस टॉपिक को लेकर हाजिर हैं। पिछले वीडियोज में हमने नाउंस के बारे में डिटेलली पढ़ा था, आज हम लोग प्रोनाउंस को पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोनाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो सबसे पहले देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन शब्द का अर्थ क्या होता है। ये प्रोनाउन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो और नाउन। प्रो एक प्रीफिक्स है जिसका अर्थ होता है के लिए, फॉर होता है अर्थ, यानी नाउन के लिए। प्रो नाउन का अर्थ होगा नाउन के लिए। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा एक गाड़ी आती है पैशन प्रो, तो उसमें प्रो शब्द जुड़ा हुआ है, स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो, पैशन के लिए। प्रो मतलब होता है के लिए, फॉर पैशन, तो उसको पैशन प्रो कहा गया। उसी तरह तो यहां पर प्रो नाउन यानी नाउन के लिए जो शब्द। प्रोनाउंस आर दैट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदले में या नाउन के लिए जो शब्द अगर हम यूज करें तो वो शब्द प्रोनाउन हो जाएंगे। कोई भी शब्द जो नाउन के बदले में अगर यूज हो तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसका डिफिनेशन याद रहे ना रहे, प्रोनाउन के बदले कोई शब्द यूज हुआ है किसी पैराग्राफ में, सो दैट इज सॉरी नाउन के बदले जो शब्द यूज हुआ है वो प्रोनाउन है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एक सेंटेंस है अमित इज कमिंग, कोई बोल रहा है, कोई लड़का बोल रहा है कि अमित इज कमिंग, फिर वो बोल रहा है ही इज माई फ्रेंड, वो किसी को बता रहा है कि अमित इज कमिंग, ही इज माई फ्रेंड। तो अमित के बदले दूसरे वर्ड सेंटेंस में उसने ही शब्द का यूज किया है। अमित के बदले उसने क्या यूज किया है, ही यूज किया है। तो अमित क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अमित किसी लड़के का नाम है तो नाउन यूज हुआ है और नाउन के बदले में ही का प्रयोग हुआ है। सो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, यानी नाउन के बदले जो शब्द यूज होते हो वही तो प्रोनाउन है। तो आगे देखते हैं, डोंट टेक दैट मनी, दोज आर माइन, डोंट टेक दैट मनी, दोज आर माइन। तो मनी के बदले यहां पर मनी के बदले कहा गया कि डोंट टेक दोज मनी, उन पैसे को मत लो, दोज आर माइन, वे मेरे हैं। तो मनी के बदले यहां पर दोज का प्रयोग किया गया है, सो दोज इज प्रोनाउन। यानी आपको डिफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सा वर्ड प्रोनाउन है। आपको ये समझने की जरूरत है कि कहीं भी आप कुछ रीड कर रहे हैं, कहीं भी कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, कहीं भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, और वहां पर किसी एक नाउन, नाउन तो पहचानना आसान है कि कौन नाउन है, अगर उस नाउन के बारे में कुछ बात हो रहा है और अगले सेंटेंस में, चूंकि जब कुछ लिखा जाता है अंग्रेजी में तो नाउन को रिपीट नहीं किया जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है कि हम, और सही भी नहीं लगता है कि हम बार बार उस नाउन को रिपीट करते हुए और हम उसके बारे में लिखें। इसीलिए एक बार उसका नाम लेने के बाद उसके बदले में प्रोनाउन का यूज किया जाता है, वो अच्छा लगता है पढ़ने में और लिखने में। तो उस नाउन के बदले जो शब्द यूज होते हैं उस पैराग्राफ में वो प्रोनाउन होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है आपको कि कहीं भी आपको फाइंड करना हो कि इसमें से प्रोनाउन कौन है, तो इतना देख लीजिएगा कि नाउन के बदले में कौन सा शब्द यूज हुआ है वो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन नाउन के लिए, नाउन के लिए, प्रोनाउन अलग नहीं है, नाउन कहीं जुड़ा हुआ चीज है, नाउन से रिलेटेड चीज है, नाउन के लिए जो चीज हो तो प्रोनाउन। तो देखिए ग्रामर में बहुत जगह दिया हुआ है 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कहीं 6 टाइप्स ऑफ, कहीं 12 टाइप्स ऑफ, कहीं 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कहीं 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, कहीं 5 टाइप्स ऑफ, लेकिन हम बेसिक लेवल पे, जूनियर लेवल पे हम 6 पढ़ेंगे जो आसान होगा आपको समझने के लिए और जानने में। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन जो किसी पर्सन को बताता है, पर्सन को बताता है, जैसे ही, सी, इटीसी। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव, पोसेस करना मतलब रखना, कुछ कुछ रखना, पोसेस करना, होना, तो वो होता है हिज, उसका, योर, ये तुम्हारा, दिस इज योर थिंग, ये तुम्हारा है। अगर आप खुद किसी के साथ बिलोंग कुछ करता है तो पोसेसिव प्रोनाउन का, माइन, दिस इज माइन, ये मेरा है। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट करता है अगर कोई वर्ड, जैसे कि दिस इज पेन, तो यह पेन को दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि व्हाट इज दिस, दिस इज पेन, एंड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया।
रिफ्लेक्ट सिर्फ प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट करता हूं जो, रिफ्लेक्ट करना मतलब खुद को रिफ्लेक्ट करता हूं, आता हूं अपने पास, खुद से बिलोंग करता हूं, इटसेल्फ, योरसेल्फ, माइसेल्फ, आई विल डू इट बाय माइसेल्फ, आई विल डू इट इटसेल्फ, यू विल डू योरसेल्फ। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो खुद को इंडिकेट करता हूं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। रिलेटिव, जो रिलेट करते हूं, संबंध बनाते हूं किसी के साथ, जैसे कि विच, विच वर्ड है कौन, हु वर्ड है कौन, होम किसका। तो इस तरह के अगर आए जो रिलेट करते हैं किसी से, दिस इज द मैन हु हेल्प मी, दिस इज द मैन हु हेल्प मी, तो वहां पर मैन के जगह पे हु का यूज हुआ है। मैन क्या है, कॉमन नाउन है, दिस इज द मैन हु हेल्प मी। तो यहां पर इस मैन के लिए हु शब्द का प्रयोग हुआ है, तो मैन कॉमन नाउन है, नाउन को बदले जो वर्ड लगा है वो हो गया क्या, प्रोनाउन हो गया। और कौन सा प्रोनाउन हो गया, क्योंकि ये इसको रिलेट करता है, इस मैन को मैन के साथ संबंध बताता है, इसलिए रिलेटिव हो गया। अगला हो गया इनडिफिनिट, इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, जो डिफिनिट ना हो, जो फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड। जैसे कि आ गया नोन, कोई नहीं, सेवरल मतलब बहुत, मेनी, मेनी मतलब बहुत, तो मेनी से आप अंदाजा नहीं ला सकते हैं कितना, कोई अभी मेनी पीपल वेयर देयर, बहुत सारे लोग थे, तो आप अंदाजा नहीं ला सकते मेनी कितना। तो इनडिफिनिट वर्ड है, इसलिए इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो आज हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। प्रोनाउन अगर आपको पता करना हो कि कौन शब्द प्रोनाउन है, बस इतना ध्यान रखिए कि देख लीजिए कि नाउन के बदले में कौन सा शब्द आया हुआ है, किसी नाउन वहां पे जो नाउन है उसके बदले में कौन सा शब्द प्रयोग हुए हैं, वो शब्द प्रोनाउन होगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने प्रोनाउंस होते हैं और प्रोनाउन का क्या डिफिनेशन होता है, बस समझदारी रखनी है कि नाउन के बदले जो शब्द यूज होते हैं वो प्रोनाउन हो जाते हैं, यानी किसी भी नाउन के बदले जो यूज हुआ वो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन, फॉर नाउन, थैंक यू।